गुड मॉर्निंग, रेडी है वापस जाने के लिए? सब पैक कर लिया है, सारा सामान सब कुछ रख लिया है और अभी टाइम हो रहा है कुछ 6:45। उज्जैन से मक्सी और मक्सी से फिर ऊपर ग्वालियर दिल्ली वाला हाईवे। चलो भाई चले, आप रुकने का कोई फायदा नहीं है, चलो। मक्सी एक छोटी सी जगह है जहाँ पे जो नेशनल हाईवे है वो मिल जाएगा यहाँ से। तो मक्सी में रुक के अभी पोहा जलेबी खाया, अभी चाय पीते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि इसके बाद कहीं से अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। और जब उज्जैन से निकले थे तो उज्जैन में उस वक्त सब ब्रेकफास्ट स्टार्ट होने वाला था। स्टेट हाईवे छोड़ करके नेशनल हाईवे पे आ चुके हैं, अब फीलिंग आ रही है कि घर वापस जा रहे हैं और मध्य प्रदेश का जो टूर है वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन ये सफ़र अभी लंबा है क्योंकि अभी भी हमें कुछ 750-800 किलोमीटर चलना है। तो सुबह सुबह जो है मौसम ठंडा है, दिन में चाहे जितना भी गर्म हो जाए पर सुबह सुबह मौसम ठंडा रहता है। ये दिख रहे हैं आपको सर पवन चक्की। हाईवे पे अच्छे खाने के ऑप्शन कम होते हैं, तो जहाँ पे अच्छा खाना ठीक ठाक देखिए वहाँ पे खा लेना चाहिए। तो मैं खाना खा लेता हूँ पहले। आपको पता है हर जगह की मिट्टी का रंग अलग होता है। अभी जहाँ पे मैं था वहाँ पे मिट्टी का रंग काला था, उज्जैन इंदौर उस तरफ मिट्टी का रंग काला था, यहाँ पे मिट्टी का रंग लाल है। गुना शिवपुरी ग्वालियर इस यहाँ तक पूरे मिट्टी का रंग लाल होगा और फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो मिट्टी का रंग मिट्टी जैसा हो जाएगा। धूप बहुत तेज है पर कल कुछ जगहों पे बारिश हुई है तो इस वजह से मौसम थोड़ा सा ठीक है, इसलिए बाइक पे बैठते हैं और चलते रहने में ही फायदा है। शाम के बज रहे 4:30 और ग्वालियर अभी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर और है, अराउंड 160-170 किलोमीटर यहाँ से आगरा है। साढ़े 9 बज रहे अभी आगरा पहुंचे और एक रूम लिया है यहाँ पे, होटल जन्नत। नाम भी देखो, होटल जन्नत है, वहाँ पे रूम लिया है। काफ़ी महंगा रूम पड़ा 900 रुपये का, रात गुजारनी है। अब आज आराम करेंगे और फिर कल सुबह जो है निकलेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। सोते हैं अब यार, बहुत थक गए। गुड मॉर्निंग, तो यमुना एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं, दिन की शुरुआत हो चुकी है और अब बस कुछ 150 किलोमीटर बचे हैं घर से। थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा गंदा लग रहा है क्योंकि अब टूर ख़त्म हो गया है और अब मैं वापस घर की तरफ जाने वाला हूँ। तो आगरा में जिस होटल में रुका बहुत ही गंदा होटल था, पर कल रात में आते आते इतना थक चुके थे कि और कुछ भी नहीं सूझा और कुछ भी समझ में नहीं आया और जहाँ पे भी रूम मिला वहाँ पे एक रूम लेके रात गुजार दी। अब चलते हैं वापस घर की तरफ और द एंड, फिर मिलेंगे नए टूर पे, नए डेस्टिनेशन पे फिर से। बाय।